हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू जबरदस्त जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहे हैं यूपी पुलिस की तरफ से कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार फ्रेंड्स इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स के लिए आपको वैकेंसी आने वाली है। ये आपको ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, सारे कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो अब हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पहले भी बताया है कि यूपी पुलिस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कि यहाँ पे आपको बता दूं कि टोटल पोस्ट जो है 52,699 सीट्स के लिए, 52,699 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आपको नोटिफाई कर दिया गया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि इतने सीट्स पे आपको वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका 41,811 सीट्स रहेंगे, पीएसी के लिए 8,540 सीट्स रहेंगे, फायरमैन के लिए 1,007 सीट रहने वाला है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए आपको 1,341 सीट्स आपको रिजर्व रहेगा। मतलब कि ये आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ओवरऑल पोस्ट आपका 52,699 रहने वाला है। फॉर्म की फ़ी बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपसे 400 रुपीज़ फॉर्म की चार्ज ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकती हूँ? ऑफकोर्स आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यूपी बिहार के लिए जितनी भी वैकेंसीज निकलती है वो आपको ऑल इंडिया के स्टूडेंट को इन्वाइट किया जाता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। आप बस इंडियन हो, अदर स्टेट के हो, आप एससी एसटी ओबीसी जो भी हो, आपको यहाँ के लिए जनरल से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो आप अगर बस 10th पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे कोई परसेंटेज का इशू नहीं आने वाला है कि 50% है तभी अप्लाई कर सकते हो, 60% नहीं, कोई भी परसेंटेज है, आप पास हो ना 10th प्लस 2, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आगे मैं बता दूं आपको कि एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहने वाला है। तो एज जो आपका कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, वो आपका एज ऑन 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम एज है आपका 18 इयर्स है और मैक्सिमम 22 इयर्स है। ये आपको जनरल कैटेगरी के मेल की मैं बात कर रही हूँ। फीमेल्स के लिए आपको 18 इयर्स मिनिमम एज है और मैक्सिमम 25 इयर्स है। ये आपको जनरल कैटेगरी के फीमेल की बात हो गई। यहाँ पे फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ओबीसी एससी एसटी को आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जो मेल रहेंगे उनका आपको मैक्सिमम एज 27 इयर्स उनको दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वही ओबीसी एससी एसटी की जो फीमेल्स होंगी वो उनका मैक्सिमम एज रहेगा आपको 30 इयर्स, मतलब कि जो 18 इयर्स टू 30 इयर्स के बीच के लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको भी शायद कुछ एज रिलैक्सेशन की बात की गई थी, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था तो 1-2 साल तक जो है वैकेंसी नहीं हो पाई थी। तो ऐसा अगर कुछ होता है, अभी जैसे कि ऑफिशियली बस अनाउंस किया गया तो नोटिफिकेशन में ज़रूर अगर बताया जाएगा तो मैं आपको फिर से कन्फर्म कर दूँगी कि अगर आपको जनरल कैंडिडेट्स को 1 या 2 साल का रिलैक्सेशन होगा तो वो आपको सरकार ज़रूर प्रोवाइड करेगी। फॉर्म की अप्लाई की बात करूं कि आपका स्टार्ट कब हो जाएगा फॉर्म, तो ये अभी उसमें नोटिस में लिखा गया है फ्रेंड्स कि 15 जुलाई के बाद ये फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं उस नोटिस में आया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसमें अगर कोई भी फेरबदल होता है या न्यू डेट आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी।
एग्जाम डेट के लिए फ्रेंड्स आपको बता दूं कि उस नोटिस में ये मेंशन किया गया है कि आपका एग्जाम जो है साल के अंत तक आपसे एग्जाम ले लिया जाएगा। तो साल का अंत तो हम मान के चलेंगे कि नवंबर दिसंबर में पेपर होगा, तो हम अपनी तैयारी को फ्रेंड्स उसी अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कि जब नवंबर दिसंबर में पेपर आए तो हम लोग एक बार में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। सिलेक्शन की प्रोसेस आपका मेजर टू स्टेज पे डिपेंडेबल होता है। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम एंड सेकेंड आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो अगर आप पार कर लेते हो, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो, तब जाके आपका एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आप अपने जॉब को ज्वाइन कर पाते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स तो आपका 150 क्वेश्चन का ये एग्जाम होता है 300 मार्क्स के लिए और आपका 2 आवर्स का पेपर होता है और आप इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी फ्रेंड्स देखने को मिलती है 0.50 की। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन क्या रहने वाला है। जीके के फ्रेंड्स आपको 37 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स आपने देखा कि 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का है, मतलब कि पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर मिलने वाला है। तो जीके के 37 क्वेश्चन आपको 74 मार्क के रहेंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन आपको 74 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग के 55 क्वेश्चंस आपको 110 मार्क्स के रहने वाले हैं, मैथ्स का फ्रेंड्स यहाँ पे 21 क्वेश्चंस रहेगा आपका 42 मार्क्स का। तो यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को इसी हिसाब से कर लेना। जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं उसको भी फ्रेंड्स आप बना करके देखना कि आप कहाँ पे छूट रहे हो, तो फिर आप उस पर वर्क कर सकते हो। अभी से आपके पास काफ़ी सारा टाइम रहने वाला है। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई कर लोगे, काफ़ी सारा टाइम है, तो उसके साथ ही साथ आपको फिजिकल के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर्ड रहने वाला है। हाइट की बात करें फ्रेंड्स तो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर रहने वाला है, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट आपका 152 सेंटीमीटर्स रहने वाला है। चेस्ट की रिक्वायरमेंट्स आपको बस मेल के लिए होती है, फीमेल से ये सब रिक्वायर्ड नहीं होता है। आपको मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट जो है मिनिमम 79 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए 4.8 मीटर की रनिंग होती है 25 मिनट्स में, वही फीमेल्स के लिए ये रनिंग 2.4 किलोमीटर्स की होती है आपको 14 मिनट्स में। सो फ्रेंड्स ये सारी जो है बेसिक डिटेल है आपको यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। आई होप कि आप लोग ये सारी डिटेल समझ पा रहे होंगे और अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी जैसा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताई हूँ ताकि आप अभी से तैयारी में जुट जाओ। जैसे ही आपको वैकेंसी आपको आउट होगा मैं फिर से एक नए तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने जो भी आपको डिटेल प्रोवाइड किए आई होप कि आप ये सब समझ पा रहे होंगे। और अगर आप और भी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके मनीषा सिंह जॉब अपडेट सर्च करके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम पे भी मैं क्विज का एक चैनल है, जॉब अपडेट्स के लिए भी है, तो सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। आप अगर और ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझसे इन सब ऐप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स आप, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट सबसे पहले आप सभी तक आए। और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में बता देना ताकि वो भी अभी से तैयारी करने लग जाए। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।